ए4ज़ेरिकोटेक का हुआ उद्घाटन। सीमेंट पर आधारित घर से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का होगा इंटीरियर और पार्किंग डिजाइनिंग। महापौर, विधान पार्षद और पूर्व मुखिया ने संयुक्त रूप से काटा फीता। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया मंशा टोला स्थित माँ हीरो शोरूम के सामने ए4ज़ेरिकोटेक का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि निगम की महापौर गरिमा देवी सिकरिया, एमएलसी अशफाक हैदर, पूर्व मुखिया इरशाद हुसैन और पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी उपस्थित रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। आधुनिक परिवेश में जिस तरह से रहन सहन के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का विशेष चलन चला है, उसमें ए4ज़ेड की सीमेंट से आधारित इंसुलेटेड कंक्रीट ब्लॉक, रीजी ब्लॉक, सीमेंटेड पोल, कर्व स्टोन, पेवर ब्लॉक, कवर ब्लॉक काफी आकर्षक रूप में ग्राहकों को लुभाने वाली है। इसके कुछ उत्पादों की गुणवत्ता और क्वालिटी ऐसी है कि जो एक बार इस्तेमाल कर ले उसे इसके फायदे ही फायदे नजर आते हैं। इको ईंट पारंपरिक ईंट की तुलना में 2 गुना कम पानी सोखता है। ये ध्वनि व तापमान के खिलाफ बेहतर इंसुलेशन प्रदान करती है। यह मोटा पर 30%, प्लास्टर पर 40% और ईंटों की मात्रा पर 25% तक का बचत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फर्नीचर वृक्ष आधारित समस्या का एक नायाब उदाहरण है, जो कि वृक्ष को कटने से बचाव का एक समाधान भी है, क्योंकि अब तक वृक्ष आधारित ही इंटीरियर डिजाइनिंग हीरा चलन में था। उपरोक्त जानकारी ए4ज़ेड के संचालक जाकिर हुसैन ने दी। वहीं मौके पर कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। न्यूज 9 टाइम्स। ए4ज़ेड इकोटेक का इस शॉप का ओपनिंग किया गया है। आप देख रहे हैं, हमारे अफाक सर हैं, मुखिया जी हैं यहाँ के, और हम लोग सभी आए हुए हैं यहाँ पे, और जाकिर भैया के द्वारा ये चलाया जाएगा। इसमें सबसे पहली बात, चंपारण को, बिदिया को एक नई चीज़ मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स जो आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ में जो मौसम का जो प्रकोप है या फिर वातावरण के अनुसार, और इस तरीके से जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है और जिस तरीके से पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ते जा रहा है, इसके लिए नई नई हाईटेक टेक्नोलॉजी आती जा रही है। उसी टेक्नोलॉजी में एक ये जो ब्रिक्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें बाउंड्री वॉल करना हो या फिर आपको अपने घर का स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो नए डिज़ाइन के ब्रिक्स बनाने का ये टेक्नोलॉजी है, जो ये इनके जो जाकिर भैया जो है डीलर है और बेतिया में पहली बार लेके आ रहे हैं डिफरेंट डिज़ाइंस के। तो ये फैक्ट्री मेड होता है, तो इसमें पूरे तरीके से एक सांचे पे ही काम करके पूरा आपका मेजरमेंट लेके इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। और उसकी इसको आप सबसे खासियत इसकी बात ये है कि ये आप तो हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि जितनी आपको मतलब इतनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, हम लोग खुद भी इधर में महसूस किए कि कितने तेज़ी से हम लोगों को मतलब जुलाई मतलब अगस्त सितंबर तक हम लोग गर्मी से जूझ रहे थे, तो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों को ठंडा रखें। तो ये हीट रेजिस्टेंस भी है, जिसमें थर्माकोल बीच बीच में लगाया हुआ है, पूरे स्ट्रक्चर में इसके मैन्युफैक्चरिंग में उसी तरीके से है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आप इसके चलते आपको उसको ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको प्लास्टर करवाएं और उसको पेंट करवाएं, आप ये डिज़ाइन को ही एज अ बाउंड्री वॉल खड़ा कर देंगे, तो ये एक अच्छा सा आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसके साथ साथ भी इन्होंने भैया ने बहुत सारी खूबियाँ बताई इसकी, कि ये हैवी लोड भी ले सकता है, और इसके साथ साथ में हाई राइज बिल्डिंग में इतना है कि अगर दूसरे तीसरे तल्ले पे आप लगाते हैं इसको, तो इसका लोड इतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्डिंग का लोड बढ़ जाए। बाई चांस कभी कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं ऐसी कि कोई कम का प्रकोप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मकान क्यों ढह जाता है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। उसी के चलते इस बहुत सारी खूबियाँ इसमें हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं यहाँ पे बेतिया में, और साथ साथ में एक नई टेक्निक के साथ साथ में यहाँ के लोगों को जोड़ने के, जो यहाँ के जो लेबर क्लास है उनको एक नई स्किल मिलेगी, एक नई एक तकनीकी मिलेगी कि उनको किस तरीके से इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, किस तरीके से इसकी जुड़ाई करनी है और उसे किस तरीके से खड़ा करना है। इस एक मैडम एक चीज़ और पूछना है कि ये तकनीकी से क्या पेड़ों पर भी असर पड़ेगा, मतलब पेड़ कम कटेंगे फर्नीचर, क्योंकि घर का डेकोरेशन पेड़ों के फर्नीचर से ही तैयार किया जाता था, ये टेक्नोलॉजी आने से क्या पेड़ पर क्या असर पड़ेगा? वातावरण पे तो ज़रूर असर पड़ेगा इससे, क्योंकि आप
किसी चीज़ में अगर मिट्टी को काट काट के मिट्टी के से ही ईंटा तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ साथ में जो आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं और सब चीज़ें जितने केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वातावरण का प्रकोप ह्यूमन बींग झेल रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें वातावरण को तो ज़रूर असर पड़ेगा और इसके साथ साथ में आपका मकान का भार भी कम होगा।